पूरी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि अग्रवाल, मैं आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। नगर पंचायत कार्यालय में डाक बंदोबस्ती के दौरान हुए हंगामे के कारण सोमवार को होने वाले डाक बंदोबस्ती प्रक्रिया को अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है। बता दें कि साहिबगंज जिले के बरकरवा नगर पंचायत क्षेत्र के जहां सोमवार को नगर पंचायत कार्यालय में सुबह 11:30 बजे से टोल टैक्स, खोवार व बाजार वसूली सहित कई अन्य चीज़ों की बंदोबस्ती होनी थी। बंदोबस्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की तैयारी चल रही थी कि निम्न बंदोबस्ती स्थानीयता को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामा देख वहां उपस्थित पुलिस बल ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोग और आक्रोशित हो गए और मामला झड़प तक जा पहुंचा, जिसके बाद बरघरवा एसडीपीओ प्रमोद कुमार मिश्रा, पुलिस निरीक्षक त्रियोगी नारायण झा व रांगा थाना प्रभारी शिव कुमार सिंह ने स्थानीय लोगों को समझा बुझा कर मामला शांत करवाया। साहिबगंज से आनंद कुमार भगत की रिपोर्ट। 19 तारीख को पेपर जमा किया था, उस दिन ही तांडव नाच हुआ था। 500 आदमी नगर पालिका कार्यालय को घेर करके तपन सिंह और दिलीप शाह अपने गैंग के साथ या कैमल पंकज मिश्रा के कार्यालय थाने पे इन लोगों ने हमको पेपर डालने में रुकने का कोशिश किया। उस दिन भी हमने किसी तरह प्रशासन को सूचना देकर आकर यहाँ पेपर डालने में सफलता पाई। इसके बाद उनको सूचना मिला कि इनको ऑप्शन हॉल में जाने नहीं दें, और जगह जगह पर हमको पार्कुर थाने में जहाँ तहाँ पुलिस के माध्यम से फोटो दे करके रोकने का कोशिश किया। मैंने अपनी बुद्धि से कार्यशैली से ऑप्शन हॉल तक पहुँच गए। ऑप्शन हॉल में जब पहुँच कर बैठे 11 बजे के आसपास में, उस बीच में अध्यक्ष महोदय के बीच में टाइम उपस्थित हुए। उसी परिस्थिति में एक पुलिस के स्टाफ ने बोला कि आप ऑप्शन हॉल से चलिए बाहर निकलिए, आप लोग सर देगा। वो एक क्ली प्लानिंग के तहत था। यह कल ऑलरेडी आलमगीर साहब मंत्री जी के फ़ोन पर, हमारा फ़ोन पर फ़ोन आया था सुबह। हमने अपने घर में मोबाइल छोड़ कर गए थे, दूर आने के बाद पता चला मिस कॉल बहुत सारी थी। हमने आलमगीर साहब के फ़ोन पर फोन बैक किए करीब 4:30 बजे के आसपास। उस बीच में आलमगीर साहब ने अपनी ऑप्शन में भाग लेना ना लेना उसमें एक सुझाव एक मामा भगना के रिश्ता की समझाई। पंकज मिश्रा ऑलरेडी जो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे। पहले से भी मुझको फ़ोन पर थ्रेटनिंग धमकी दिए थे, जिसके हमने पास कॉल रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ, और इसके बाद उन्होंने हमको धमकी दिया एक सरकार के एक मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि होने के नाते कि लठैत के बल पर, लाठी के बल पर ऑप्शन हॉल में नहीं घुसने देंगे, नहीं जाना होगा। और इसी स्थिति में हमने उनके चैलेंज को स्वीकार किया और हमने बोला उनको कि ऑलरेडी आप क्या बोल रहे हैं, सरकार के आदमी हैं, सरकार की राजस्व को मैं बढ़ाने वाला दाता हूँ और आपको बढ़ावा ना, जो आपने आतंकवाद और नक्सलवाद की स्टाइल में उनको जो धमकी दिए, मैंने आपकी धमकी को स्वीकार किया और मैं आपको इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट और विधानसभा के पटल पर खींच कर लाऊंगा। जैसा पता चला है कि वो बाकायदा अंदर भी बैठे हुए थे मीटिंग हॉल में, उनसे कुछ पूछताछ किया इस बारे में कि थोड़ा बाहर आइए, इस तरह करके उनको बुलाया गया और उसके बाद ऐसी घटना घट गई जो कि क्वाइट अनएक्सपेक्टेड हुआ है। इस तरह अगली टेंडर के लिए अगली तारीख कब की है सर? इस बारे में वरिष्ठ अधिकारी को सूचित कर दिया गया, जैसा निर्देश होगा आगे हम लोग इसको। एक बात सर, सूत्रों से पता चल रहा है कि इसमें कुछ बाहरी भित्री लेकर के कुछ वहाँ हंगामा हुआ है। नहीं, जैसा आपको पता है कि लास्ट जो जिस दिन भरने के फॉर्म भरने के जमा करने की आखिरी तारीख थी, उस समय भी ऐसे कुछ स्थानीयता को लेकर के बातचीत उस समय ये हुआ था। तो उस समय टेंडर डालने में भी ऐसा सुनने में कुछ लोगों को रोका जा रहा, तो मैंने खुद अपनी वहाँ पर सब खुद पहुँच करके और जो भी टेंडर डालने के इच्छुक थे आखिरी व्यक्ति तक को मैंने टेंडर डालने के लिए वहाँ सुविधा मुहैया करा दी थी। क्या तो ऐसा हो सकता है कुछ लिखा भी कुछ ऐसा इस तरह का? सर, विभाग द्वारा ऐसा कोई नियम है कि बाहर के लोग टेंडर नहीं भर सकते हैं, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता पहले मिलेगी, ऐसा कुछ नियमावली में है क्या सर? ऐसे नियमावली में सीधे सीधे ऐसा कुछ स्थानीयता ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है, जो विधिवत प्रक्रिया है उसके हिसाब से हम लोगों ने तारीख दी। और कुछ सवाल कीजिए सर। नगर पंचायत में सर वार्ड में से जुड़े सर कई लोगों का कहना है, वाइस चेयरमैन सहित कई वार्ड मेंबरों का कहना है कि बीते दिन बोर्ड के बैठक में स्थानीय को प्राथमिकता देने को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था, बावजूद भी सर यहाँ देखिए प्राथमिकता इनके नियोजन को लेकर के थी, तो उसके लिए इनको बोर्ड की बैठक में भी कहा गया था कि जो भी टेंडरर चयनित होंगे उनके साथ ये करार किया जाएगा, वो प्राथमिकता स्थानीय को नियोजन में, लेकिन स्थानीय व्यक्ति ही टेंडर डालेंगे ऐसा कोई नियम नहीं। घटना तो घटी है, आपको सामने की बात है, प्रशासन ने इसको जो भीड़ थी तो थोड़ा सा आपसी लोगों देने का प्रयास किए थे, लेकिन हम लोगों ने उसको रोकने का प्रयास किया और रोक भी लिए। थोड़ा सा आपस में विवाद है, थोड़ा सा पॉलिटिकल मुद्दा है, ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं इसको। सर, इस मामले को लेकर सर जो है सर दूसरे
जो पाकुड़ से जो लोग थे सर उनके द्वारा जिनके सब मारपीट हुई है उनके द्वारा कुछ आवेदन अभी तक तो नहीं दिया गया लेकिन मैंने कार्रवाई करने अभी तो फिलहाल नहीं दिया गया सर जिनके साथ मारपीट हुई है उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि को लेकर के कि उनके द्वारा काफी कुछ मतलब उनको रोकने का प्रयास किया गया है सर इस पर प्रशासन कैसे कार्रवाई करेगी आगे देखिए पॉलिटिकल मामलों में प्रशासन का कोई हम लोग कुछ नहीं कहेंगे इसलिए नहीं कहेंगे कि अब यह हमारे क्षेत्र अधिकार संज्ञान का सीट है ठीक है अब क्या इसमें हुआ है क्या सच है ये तो जब तक लोग जांच पड़ताल नहीं करेंगे और हमारे पास जब तक वो चीजें नहीं आ जाती है तब तक मैं आपको बयान देने की स्थिति में हूँ ठीक है जब आ जाएगा मामला तो मैं आपको बता दूंगा।